हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं ओलेजर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे गलती से कोई भी डेटा डिलीट हो जाता है तो आप अपने कंप्यूटर से उसे कैसे फ्री में उसे रिकवर कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्ट। आपको दिखाए वंडरसेल फिल्मोरा गो, अगर वो आपको कैसे डाउनलोड करना है वो वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा कि आप वो आपको सॉफ्टवेयर जो है कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए हम यहां पर हम माय कंप्यूटर में जाते हैं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहां पर मैं एक पेन ड्राइव है जहां पर मैंने एक फ़ोटो रखा है, हमारा ओलेजर का एक लोगो हो और एक सॉन्ग है, उसे मैं यहां से डिलीट कर देता हूं और देन मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उसे कैसे रिकवर करते हैं। तो चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ओके, वो ये जो दोनों फाइल है वो डिलीट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें वंडरसेल का डेटा रिकवरी जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करना है। चलो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, चुकी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें वंडरसेल का डेटा रिकवरी जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करना है। चलो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, वंडरसेल डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर उसे आपको ओपन कर लेना है। टेन यहाँ पर हम उसे यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, टेन इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं जाना है लॉस्ट फाइल रिकवरी में, यहाँ पर आपको उसे कहाँ क्लिक करना है। टेन आपको ड्राइव सिलेक्ट करनी है कि किस ड्राइव के अंदर जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पर आपकी फाइल बहुत पुरानी है तो आप इनेबल डीप स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फाइल 3-4 दिन के अंदर डिलीट हुई है तो आपको डीप स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ चलो हम इसे स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर जो स्कैनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी जो फाइल है उसे स्कैन करना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक ऑडियो है और एक ग्राफिक्स है, तो हम दोनों को ही यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको रिकवर पर जाना है। रिकवर पर क्लिक करते ही ये आपसे ये पूछेगा कि वो कहाँ पर रिकवर करे, तो आपको वो पेन ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं। रिकवर सेव, तीन यहां पर आप देख सकते हैं। ओके नो, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि जो फाइल दोनों है वो रिकवर हो चुकी है। मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूं। ये हमारा फोटो था जो हमने डिलीट किया था थोड़ी देर पहले, वो हमने सक्सेसफुली रिकवर कर लिया है। तो आपने देख ही लिया कि आप कोई भी फाइल कितनी आसानी के साथ रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।